कहते हैं राजनीति में रिश्तों की डोर मजबूरी की होती है। वक्त बदलता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर रिश्ते जुड़ जाते हैं। आजकल कुछ यही हाल है चाचा शिवपाल यादव का। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले शिवपाल यादव की राजनीति हाशिए पर है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कई सीट तो ऐसे थे जिस पर शिवपाल ने अपने प्रत्याशी उतार कर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को चुनौती दी थी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सपा को उठानी पड़ी, यानी महज 5 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। खुद मुलायम सिंह यादव के परिवार वाले भी अपना सीट नहीं बचा पाए। वोट कटवा के तौर पर शिवपाल यादव ने जो नुकसान पहुंचाया, उसका दर्द आज भी अखिलेश यादव के दिल में शूल की तरह चुभ रही होगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा और सब मिलजुल कर यूपी में समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश भी अपने चाचा शिवपाल से मधुर संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मधुर संबंध की बात तो छोड़िए, उल्टा अखिलेश यादव ने दल बदल कानून के तहत शिवपाल सिंह यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में याचिका लगा दी है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि भाजपा का दामन थाम चुके नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल पर समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। मतलब ये कि इस बार समाजवादी पार्टी बस चाचा शिवपाल को टारगेट करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी भस्मासुर समझती है। अखिलेश यादव समझते हैं कि अगर शिवपाल यादव को कमजोर नहीं किया गया तो यादव वोट बैंक में सेंध लग जाएगा और इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। शायद यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि चाचा शिवपाल की सदस्यता समाप्त हो जाए। हालांकि इस मामले को लेकर शिवपाल सिंह यादव चुप्पी साधे हुए हैं। शिवपाल भी समझते हैं कि अभी सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखने में ही भलाई है। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव कांग्रेस में भी खुद के लिए जगह तलाश रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। आखिर लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने भतीजे और भाई के खिलाफ अकेले ही ताल ठोकी, लेकिन रिजल्ट नील बटा सन्नाटा ही निकला। यानी शिवपाल की पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई, और तो और शिवपाल अपना भी चुनाव हार गए। अब आगे शिवपाल यादव की राजनीति कहां तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह का करियर तबाह करने के मूड में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।